ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये करीब करीब 2 से 3% लोगों को, मतलब 2 से 3% लोगों को जनरल पॉपुलेशन में अफेक्ट करती है ये बीमारी। जो लोग परफेक्शनिस्टिक है, परफेक्ट बिहेवियर के जो लोग हैं, और ये जिनको बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें होता क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बार 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 विचार आते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेशंस। वो विचार नकारात्मक रहते हैं बार 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 बार, कोई इमेजेस बार बार सामने आती है, कोई भगवान के बारे में बुरे विचार, या कोई सेक्स के बारे में विचार, या किसके साथ में सेक्स कर रहा है ऐसा। अभी पेशेंट आया था मेरे यहाँ कुछ दिन पहले, उसको ऐसा था कि मैंने कपड़े पहने ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कपड़े पहने, मैं नंगा हूँ। बार बार वही विचार, मालूम है उसको कि कपड़े पहने हुए हैं, लगता है कि लोग हंसेंगे, मैंने तो कपड़े पहने नहीं है। उसको पता है कि अपन ने कपड़े पहने, तभी भी वो बार बार विचार आते रहता है। फिर किसको बार बार लगता है कि अपने हाथ गंदे हैं, घर गंदा है, हाथ पैर गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, या फिर वो लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो फिर टॉयलेट बहुत ही गंदा उनको लगता है, फिर वहाँ से आना, फिर हाथ धोना बार बार। तो ऐसे बार बार मतलब विचार आते हैं, और ये लोगों का ऐसा रहता है कि वहीं की वहीं जगह होना, ये लोगों का ऐसा रहता है कि वहीं की वहीं वस्तु होना, वहीं रखना है, वही जगह पे वस्तु रखना है, और वो नहीं रखे तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके मन जैसा नहीं किया तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो विचार जो आते हैं, वो विचार ऐसे फालतू के उनको मालूम है, उनको मालूम है कि विचार रोक नहीं सकते। जैसे विचार आता है कि मैंने बोल्ट किया कि नहीं दरवाजा, अंदर से लॉक एंड की लगाए कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ बराबर किया है कि नहीं किया, कपड़े बराबर धोए कि नहीं धोए, साफ सफाई हुई कि नहीं हुई, ऐसे बार 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 विचार आते रहते हैं। उनको ये पता है कि वे सच्ची नहीं है, ये विचार आते हैं, इनको मालूम है कि ये विचार है, बार बार आने वाले विचार है, और फिर ये विचार आने के बाद में उनको बहुत घबराहट होती है, बेचैन होती है, और फिर उनको वो विचार निगेटिव कर नल करने नील करने के लिए, निगेटिव कर निकालने के लिए, फिर उनको कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे कि उनको बार बार लगता है कि भाई हाथ धोना पड़ेगा, फिर यदि हाथ खराब है तो बार बार जाके हाथ धो लो, पैर धो लो, स्नान करो बार 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 बार। ये लोग दो दो तीन तीन घंटा स्नान को लगाएंगे, 8-8, 10-10 बार हाथ धोएंगे, बार बार जाके लॉक चेक करेंगे, भगवान की पूजा तो घंटों पूजा ही करते बैठेंगे, नहीं तो भगवान रुठ जाएगा, या लैट्रिन बाथरूम से आएंगे तो फिर बहुत बार हाथ धोएंगे, उनको ऐसा लगता है कि लैट्रिन हुई नहीं अपनी बराबर पूरी, तो इसलिए लैट्रिन में बैठे रहेंगे 2-2 घंटा। अच्छा, खुद को नहीं, फिर बाकी लोगों को भी उनको लगता है कि वो भी गंदे हैं, तो उन्होंने भी साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, तो फिर उनका भी वो ज़्यादा ख्याल रखते रहते हैं कि नहीं उन्होंने करना ही चाहिए साफ सफाई। फिर अभी एक पेशेंट आई थी, उसका यह था कि मैंने हाथ धोए कि नहीं धोए, यह कन्फर्मेशन वो मदर से मांगती, तो मदर को खड़ा रखना है बाजू में और हाथ धोना बोलना, धोए, अच्छा धोए, फिर धोएंगी, फिर बोले धोए, अभी हो गए साफ, ऐसा बार बार कन्फर्मेशन मांगेंगी। तो ये फिर बार बार कुछ तो भी काम करते रहेंगे जिसके उनके विचार कम हो जाएंगे, फिर विचार कम होने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स लगता है, बाद में फिर विचार आते हैं तो फिर वैसे ही चालू हो जाता है। फिर एक्टिविटी में 3 बार एक्टिविटी करेंगे, या 6 बार एक्टिविटी करेंगे, या 3 बार एक्टिविटी करके 1 बार गिनेंगे, ऐसे 3 बार करेंगे, ऐसा उनको मैजिकल नंबर्स जो है, मैजिकल नंबर्स है ना, तो वो ऐसे मैजिकल नंबर के ऊपर वो काम करेंगे, नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, फिर वो स्टेयर केस चलेंगे तो उतरेंगे तो गिनेंगे नहीं, तो फिर वापस आगे पीछे करेंगे। एक तो हमारा पेशेंट ऐसा है कि वो एग्जामिनेशन टेबल पे लेट गया तो उसको उठो बोलो तो उठेगा नहीं, वो फिर उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, ऐसा करेगा और फिर खड़ा रहेगा, फिर खड़ा रहेगा, फिर आगे पीछे करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। उसको ज़बरदस्ती किया तो इतना वो ताकत लगाता है कि उसको हम आप हिला नहीं सकते। हाँ, उसका खुद का विचार निकल गया फिर हिलता है वो। फिर होता क्या है, ये लोग अवॉइड करना चालू करते हैं, बाथरूम अवॉइड करना, पब्लिक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करना, इनको ज़्यादा डर इसका लगता है, कुत्ते का डर कि वो ये गंदा होगा, उसके बाल अपने आंग पे आए क्या, बिल्ली का डर, या फिर अंतयात्रा कोई दिखी जाके हुए तो भी उनको डर लगता है, जाके धोएंगे हाथ पैर, स्नान करेंगे, कोई मरने की सुनाई दिया उनको कि कोई मर गया है तो फिर वो सुन के भी उनका जी मचलाता है और वो स्नान करेंगे। ऐसा उनको मरने का, सेक्स का, अंतयात्रा, कुत्ता, जानवर, इनके बहुत विचार आते रहते हैं। अब ये होता क्यों है, एक तो ऐसी थ्योरी है कि SSRI, मतलब जो ब्रेन के जो
ट्रांसमीटर्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उनकी लेवल कम हो गई करके ऐसा होता है, एक थियरी है। तो दूसरा थियरी है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज और केमिकल इम्पल्सेज ब्रेन में आते हैं उनका जो फायरिंग होता है वो फायरिंग गलत तरीके से चालू हो गया, क्योंकि विचार हमको भी आते हैं मगर हम क्या करते हैं, सामान्य लोग वो विचार दबा डालते हैं, वो बैक में डाल देते हैं। इनका ऐसा है कि एक बार वो शुरू हो गया कि वो बंद ही नहीं होता, वो रोक नहीं सकते विचारों। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक तो SSRI है, जो कम हुए न्यूरो ट्रांसमीटर उसकी लेवल बढ़ाना, मतलब SSRI की दवाई देना, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट से वो देना, फिर एक्सपोजर रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक्सपोजर रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट मतलब ऐसा है कि जिसको जिसके बारे में उसको बार बार विचार आता है उसको एक्सपोज करना, और एक्सपोज करके उसको बोलना वो तू कर मत, मतलब हाथ गंदे करके बोलना ठीक है अभी हो गए गंदे हाथ, धोने का नहीं अभी वैसे रहो। तो एक्सपोज करना और एक्सपोज करके उसको रेस्पॉन्स देने के लिए नहीं कहना, वो रोकना। हिप्नोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। क्या होता है कि ये लोग हमारे पास में जल्दी आते नहीं है। नॉर्मली यहाँ चलता है, साफ सुथरा वाला आदमी है, ज़्यादा ही एक्सेसिव क्लीनलीनेस करता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ऐसा बोल के उनको टाले जाता है। साल दो साल तक तो हमारे पास में आते नहीं है। तो ऐसे लोग आपको दिखे तो जरूर आपके घर में होंगे, आप खुद होंगे तो जरूर अपने कंसल्टेंट, अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो, हमारे से बात करो। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे पास में लो, और एकदम अर्ली स्टेज में बीमारी निकाल दिया ये तो पूरी निकल जाती है। लेट कर दिया, साल दो साल तीन साल हो गए, बाद में आगे फिर निकालना मुश्किल हो जाती है। तो जल्दी इसका इलाज करना है, जल्दी रेफरिंग करना है तो अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज फिर लंबे समय तक इलाज चलते रहता है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे काउंसिलर से उनको कॉल करो, हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अब ये देखिए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से फिर उनको क्या होता है, जब वो ठीक नहीं होते या नहीं हो रहे या दवाई खानी पड़ रही है तो फिर उनको डिप्रेशन आता है, और फिर वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि अभी कुछ पड़ा नहीं है, इसमें से कुछ भी होने वाला है नहीं, अभी बहुत सारी दवाई लिया है, अभी मैं खुदकुशी करूँ, तो कुछ लोग उसमें से फिर सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन आता है, फिर एंटी डिप्रेशेंट हम वैसे दे ही रहे हैं उनको, और दवाई बढ़ाओ, फिर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी करो, वो करना पड़ता है। तो इसलिए पहले स्टेज में अर्ली बर्ड मतलब बड़ अवस्था में जब है तुरंत वहीं उसका इलाज होना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।